नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राज्यपाल से कल मिलेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। राज्यपाल से कल उनकी मुलाकात होनी है। नए मंत्रियों की राज्यपाल को वो लिस्ट सौंपेंगे, सूची सौंपेंगे। कल मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होना है, इसलिए कल राज्यपाल से मुलाकात करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। राज्यपाल से मुलाकात कर वो नए मंत्रियों की लिस्ट सूची राज्यपाल को सौंपेंगे, क्योंकि कल मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होना है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कल राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। राज्यपाल से मुलाकात कर वो कल मंत्रियों की लिस्ट सौंपेंगे जो कि कल शपथ लेने वाले हैं। कल मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा राजधानी भोपाल में। आलाकमान से चर्चा के बाद नाम फाइनल हो चुके हैं। कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और जो भी मंत्री पद की शपथ कर लेगा उसकी सूची राज्यपाल को सौंपेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बात करेंगे कोरोना की। भोपाल में फिर मिला है कोरोना का केस। राजधानी में कोरोना का नया केस सामने आया, एक पॉजिटिव केस सामने आया है। ट्रेवल हिस्ट्री में केरल यात्रा का जिक्र है इसकी। मरीज की हालत फिलहाल स्टेबल है, स्थिर है। तो राजधानी भोपाल में फिर कोरोना का एक नया मरीज मिला, कोरोना का नया केस आया है भोपाल में। एक पॉजिटिव केस आया है सामने और इसकी ट्रेवल हिस्ट्री में केरल यात्रा का जिक्र है। केरल से यात्रा कर भोपाल ही पहुंचा था और कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मरीज की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। दुर्ग अंबिकापुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के सभी गिरजाघर रोशनी से जगमगा रहे हैं। ईसाई धर्म को मानने वाले लोग प्रभु यीशु के जन्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शहर की सड़कें गुलजार नजर आ रही हैं। सभी चर्च रंग बिरंगी रोशनी में सराबोर हैं। चर्च में प्रभु यीशु के गीत गूंज रहे हैं। आज रात 12 बजे यीशु का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। उससे पहले गिरजाघरों में प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो चुका है। तो प्रभु यीशु के जन्म का जश्न अभी से ही शुरू हो चुका है। गिरजाघरों में, चर्चों में प्रार्थना का दौर शुरू हो चुका है। प्रभु यीशु के जन्म का बेसब्री से इंतजार है सभी को। गिरजाघरों की रौनक बढ़ गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गिरजाघरों को, चर्च को रोशनी से सजाया गया है। आकर्षक रोशनी से सराबोर हैं गिरजाघर पूरे देश के। तो अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी फिलहाल जुड़ गए हैं। अभी हमारे साथ अंबिकापुर से श्रवण महन जुड़े हुए हैं, जो कि ताज़ा माहौल क्या है वहां का वो हमें जानकारी देंगे। श्रवण, क्या कुछ माहौल है? कुछ ही समय बचा है जब प्रभु यीशु का जन्म होगा और सभी जश्न में सराबोर हो जाएंगे। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं अंबिकापुर में श्रवण? बिल्कुल सुमित, मैं इस समय नावा पारा के महागिरजाघर में मौजूद हूं और मैं नजारा दिखाना चाहूंगा कि जो लोग हैं यहां पर प्रभु यीशु के जो जन्म के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और लगातार जो है यहां पर प्रभु यीशु के प्रार्थना और तमाम जो गीतों से ये गिरजाघर गूंज रहा है। और जो यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं श्रद्धालु और जो प्रेयर कर रहे हैं और तमाम जो है प्रभु यीशु का जो जन्मदिन का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों से भी हम बात करने कोशिश करेंगे। भैया, किस तरह का यहाँ पे तैयारी हो रही है? थोड़ा इधर घूम जाइएगा, एक मिनट में तैयारी किस तरह तैयारी हो रही है? अच्छा, प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया जा रहा है तो थोड़ा प्रेयर कर रहे हैं, और भी लोगों से बात करेंगे, प्रेयर कर रहे हैं। हालांकि किस तरह के यहाँ पे तैयारी रहती है हर साल, कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? जन्म पर्व के अवसर पर काफी दूर दूर से लोग इस ठंड में भी आते हैं और आज भी बहुत उत्साह के साथ आए हैं। और जैसे कि देख रहे हैं हमारे गिरजाघर में अभी शांतिपूर्वक बड़ी भक्ति भाव से प्रार्थना चल रहा है। लोगों में काफी उत्साह है और इसके लिए काफी दिनों से तैयारी करते हैं।
आप देख सकते हैं कि आज के दिन के लिए लोग काफी दिनों से तैयारी करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, पूरे जो लोग हैं वो प्रार्थना में डूबे हुए हैं। जो यहाँ के जो गिरजाघर के जो फादर हैं वो लगातार प्रार्थना का दौर चल रहा है। गीत जो है यहाँ पर जो प्रभु यीशु के जो गीत से ये पूरा गिरजाघर जो गूंज रहा है, और लगातार जो है जिस तरह से रात 12 बजे जो है प्रभु यीशु का जन्मदिन होता है और उसके बाद से ही क्रिसमस का त्यौहार जो है वो लगातार अपने घरों में अपने बस्तियों में मनाते हैं। तो आज जो है कुछ ही समय बचा है जब जो है प्रभु यीशु का जन्म होगा और लोग जो है भक्तिभाव से क्रिसमस का त्यौहार मनाएंगे। सुमित बिल्कुल श्रवण, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और लगातार हम देख रहे हैं कि काफ़ी उत्साह है लोगों में प्रभु यीशु के जन्मदिन को लेकर, क्रिसमस को लेकर। तो आप देख सकते हैं गिरजाघरों में कितनी भीड़, कितने उत्साहित है लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में बस्तर फाइटर और DRG के जवानों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। बताया जा रहा है कि मारे जाने वाले नक्सलियों में LOS कमांडर लक्ष्मण कोहरामी भी शामिल है, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के बाद वर्दीधारी 3 नक्सलियों के शव बरामद किए। सर्चिंग पर निकले जवानों की सुकमा जिले से सटे सीमावर्ती इलाकों में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। तुमकपाल और डब्बा कुन्ना के जंगल की पहाड़ियों पर यह मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने मौके से बड़े पैमाने पर हथियार गोला बारूद भी बरामद किया है। 24 दिसंबर 2023 को थाना कटे कल्याण अंतर्गत तुमकपाल से डब्बा कुन्ना की जंगल पहाड़ी जो कि जिला दंतेवाड़ा सुकमा का बॉर्डर है, वहाँ पर नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना थी, जिस पर से दंतेवाड़ा जिले के DRG बस्तर फाइटर की टीम रवाना की गई और मौके पर उनकी घेराबंदी की गई। नक्सलियों द्वारा फायरिंग करने पर पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें दंतेवाड़ा पुलिस को 3 नक्सली वर्दीधारी पुरुष नक्सली का शव बरामद किया गया और भारी मात्रा में गोला बारूद, नक्सल सामग्री एवं हथियार बरामद किया गया है। इस समय भी जिला दंतेवाड़ा सुकमा के DRG बस्तर फाइटर की टीम एवं CRPF CF की टीम द्वारा सर्च अभियान शुरू है और आगे की जानकारी पीड़ित से दी जाएगी। अब बात करेंगे कवर्धा की, जहां मानव तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया। एक युवती को उसके रिश्ते की ही एक बहन ने दिल्ली में एक डॉक्टर के हाथों 2 लाख रुपए में बेच दिया। युवती का शारीरिक शोषण भी हुआ और इस दौरान वो किसी तरह वहां से भाग निकली और अपने घर पहुंची और अपनी आपबीती पुलिस को सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। में उसकी रिश्ते की बहन जो मध्य प्रदेश की रहने वाली है, उसने उसको फोन करके बुलाया था और दिल्ली में काम दिला देने की बात बोला था। तो वो लड़की, वो महिला उसके साथ में दिल्ली गई थी। दिल्ली में उसने एक डॉक्टर के यहाँ उसको काम दिलाया था, बर्तन झाड़ू पोछा था और वो करीबन 1-1.5 साल तक वहाँ पे काम की थी। उसके बाद जब वो महिला अपने घर वापस आने के लिए बोली तो उसकी जो बहन रिश्ते की जिसने उसके साथ में गई थी, उसने कहा कि तुम अब वापस नहीं जा पाओगी, मैंने तुमको किसी व्यक्ति के यहाँ 2 लाख रुपए में। जगदलपुर में आज एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर एक अहम बैठक हुई, जिसमें DGP, ADG, DIG, SIB और IG बस्तर शामिल हुए। 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली इस बैठक में नक्सली गतिविधियों से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई। कोऑर्डिनेशन सेंटर में हुई इस बैठक में नक्सल ऑपरेशन को नए सिरे से चलाने पर फैसला किया गया। बस्तर संभाग के अंतर्गत वर्तमान में नक्सल विरोधी अभियान की क्या कुछ परिस्थिति है और आगामी दिनों में किस रणनीति के तहत हमको कार्य करना चाहिए, इस संदर्भ में आज एक समीक्षा बैठक हुई है। पुलिस मुख्यालय से DGP महोदय, ADG नक्सल ऑपरेशन एवं संभाग के सभी पुलिस अधीक्षकगण आज इस बैठक में उपस्थित रहा और वर्ष 2023 में अब तक क्या कुछ हमारा उपलब्धि रहा और आने वाला जो 5-6 महीने जो प्रमुख रूप से जो ऑपरेशन सीजन रहा, इस दौरान हमको किस किस तरीके से आगे कार्रवाई करना चाहिए और हमारा क्या कुछ ताकत रहा, किन इलाके में हम लोगों का और बेहतर काम करने के लिए गुंजाइश है, इन सब के बारे में बारीक से डिस्कशन हो और हाल फिलहाल में जो घटनाक्रम भी घटित हुआ है इसको किस तरीके से हमको आने वाले समय में रोकथाम के लिए और जो घटना का अंजाम देने वाला जो महोदय के खिलाफ और प्रभावी रूप से कैसा कार्रवाई कर सकता है, इन सब तमाम विषय पर काफ़ी एक विस्तार रूप से।
रायपुर पुलिस लगातार गुंडे बदमाशों के साथ साथ कबाड़ियों पर भी नकेल कसना शुरू कर रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 18 कबाड़ियों पर कार्रवाई की है, जिनसे हजारों कुंटल कबाड़ भी जब्त हुआ। वहीं अलग अलग मामलों में 64 गुंडे बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। रायपुर में कबाड़ी चोरी के लोहे और कबाड़ को खपाते हैं, अब पुलिस इन पर नकेल कसने का काम कर रही है। शिकायत मिलती रहती है कि कई बार जो छोटी छोटी चोरियां होती है जो लोहे के या सामानों के, वो कबाड़ियों के यहाँ भेज दिया जाता है। तो उसको लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे कल एक व्यापक अभियान चलाया गया था, और जिनके यहाँ भी इस प्रकार से जो भी सामान मिले तो उनसे, क्योंकि वैध दस्तावेज की मांग की जाती है, 41(1)(4) के तहत कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ में। अगर कोई भी वैध दस्तावेज अगर प्रस्तुत करते हैं तो वो छोड़ दिया जाता है, अदरवाइज उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाती है। रायपुर में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। इन अभ्यर्थियों की मांग है कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। अपनी मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने सुभाष स्टेडियम से लेकर अंबेडकर चौक तक रैली निकाली। अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई है, लिहाजा इसे रद्द किया जाए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बीजेपी देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी, और इस मौके पर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के 12 लाख से ज्यादा किसानों को बड़ी सौगात देने जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय कल 2 साल के बकाया धान का बोनस किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। सरकार 37,016 करोड़ रुपये किसानों के खातों में डालेगी, जिसकी जानकारी मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने दी है। गौरतलब है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों को 2 साल का बकाया बोनस देने का वादा किया था। इस देश के भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, और पूरा देश और पूरा विश्व उसको सुशासन दिवस के रूप में मनाता है, और उस दिन का जो एक शुभ दिन है उसके अवसर पर 2 साल का बोनस सभी किसानों के खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी ट्रांसफर करेंगे। और यही मोदी जी की गारंटी है कि मोदी जी ने जो गारंटी दी है वो सभी पूरी होंगी, और लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वसनीयता का भाव जागेगा, और इससे आने वाले लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जीत कर आएगी। छत्तीसगढ़ में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मनाने जा रही है, जिसको लेकर अंबिकापुर में जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार सुशासन दिवस पर सरकार किसानों को 2 साल का बकाया बोनस देगी, जिससे प्रदेश के किसान काफी खुश हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को छत्तीसगढ़ का जनक कहा जाता है। उनकी जयंती पर छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को सौगात देने जा रही है। बीजेपी सरगुजा जिले के 1 लाख से ज्यादा किसानों को करीब 193,61,00,000 रुपए बकाया बोनस के तौर पर भुगतान करने जा रही है। बोनस को लेकर किसान काफी उत्साहित हैं। अच्छा लग रहा है वैसे भाई, क्या बोलते हैं, 2 साल का बोनस बचा हुआ था, उसको भाजपा सरकार वादा किया था 25 तारीख को उसको देंगे, अगर दे देता है तो बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं। IIT खड़गपुर ने फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।